मैं अभी तक नर्वस हूँ, पता नहीं क्यों. फिल्म भी प्रीमियर भी हो गई लेकिन अब लोग आ रहे हैं, कह रहे हैं कि यू नो बहुत अच्छा काम या ऐसा कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन पता नहीं थोड़ा विश्वास नहीं हो रहा कि मैं क्या सोचूं क्या नहीं सोचूं. मैंने कहीं पढ़ा था आप जब राडा में थे, यू वर नॉट अलाउड टू शूट एंड दिस इज द टाइम एंड यू साइंड द मूवी, सो डू यू फील इट्स वर्थ इट नाउ कि क्लासेस मिस करके जो भी बंक करके विदाउट टेलिंग योर टीचर. एक्चुअली मैंने क्लासेस कोई मिस नहीं की, लेकिन मैंने उन्हें बताया नहीं और थोड़ा एक हफ्ते पहले मैं निकल गई थी तो ज़्यादा कुछ मिस नहीं किया. हाँ बिल्कुल वर्थ इट, बहुत वर्थ इट. आपने राहुल बोस के साथ एक पहले शो किया था शायद से, एंड दिस वाज़ द फिल्म. सो हाउ वाज़ इट वर्किंग विद हिम अगेन एज व्हेन ही वाज़ द डायरेक्टर? क्योंकि हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं पहले से, हम दोस्त हैं और हमने पहले भी काम किया हुआ है ग्रेट एस्केप में. हम बहुत कंफर्टेबल थे एक दूसरों के साथ और बहुत राहुल ने मुझे बहुत ट्रस्ट दिया एक एक्ट्रेस के नतीजे से, और वो ट्रस्ट की बहुत ज़रूरी है कोई फर्स्ट टाइम एक्ट्रेस के लिए, क्योंकि अगर आप डायरेक्टर आपको इतना ट्रस्ट देता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि वो आप में इतना बिलीव करता है. इस फिल्म में न्यू कमर्स थे साथ में, पूजा भट्ट जैसे स्टार भी थे एंड जाहिर हुसैन का म्यूजिक, सो हाउ इज इट वर्किंग ऑल ऑफ? मेरे पूजा भट्ट के साथ एक भी सीन नहीं है तो आई डिडंट एक्चुअली वर्क विद हर, लेकिन जो मेरी इंटरेक्शन हुई है पूजा के साथ, मैं तो उसे बहुत बड़ी फैन हूँ, शी इज़ लवली. सो जब फिल्म, दिस इज द फर्स्ट इंग्लिश फिल्म इंडियन सिनेमा के लिए, सो व्हाट आर एक्सपेक्टेशन, कैसे लगी ऑडियंस कल जब ये फिल्म रिलीज होगी? मैं बहुत नर्वस हूँ. पता नहीं कैसे लगेगी, लेकिन हमारी ऐसी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि ये विलेजेस में या ऐसा कुछ जाएगी. हमें पता है कि ये सिर्फ मेट्रोज में रिलीज होगी और मेट्रोज में ही ऑडियंस होगी. कल के लिए थैंक यू. थैंक यू.